राजनगर थाना क्षेत्र के कुछ लोग ज्ञापन देने आए हैं, किस तरह की जो है बात है? राजेंद्रनगर थाना क्षेत्र में थोड़े दिन पहले एक न्यूज़ बहुत प्रसारित हुई थी, जिसमें लिखा था कि कुछ ABCD मल्टी जो है वहाँ के कुछ घरों ने ऐसे पोस्टर्स लगाए थे कि उनको मजबूर होके पलायन करना पड़ रहा है। उसी के संबंध में कुछ और जो वहाँ के रहवासी हैं वो आज मिलने आए थे, जिनका कहना है कि सिर्फ कुछ लोग हैं जिन्होंने, क्योंकि वहाँ अध्यक्षता का चुनाव हुआ था, उसमें क्योंकि वो अध्यक्ष नहीं बन पाए हैं तो उनके कारण उन्होंने झूठे आवेदन दिए हैं सारे। और उनका कहना है कि इससे हमारे पूरे मल्टी का बदनामी हुई है, और हमेशा आदतन लोग वहाँ पर इस तरह के झूठे पोस्टर्स और वो लगा लेते हैं जिससे कि समस्या बढ़ती जा रही है। तो उनको वही बताया है कि इसमें जांच दल, विशेष जांच दल गठित किया गया है जिसमें काफ़ी सीनियर अधिकारी हैं, तो उनके सामने राजेंद्र नगर थाने में कल से इसमें जाँच शुरू होगी। तो जिस तरह के भी चीज़ें सामने आती हैं वो की जाएंगी। वर्तमान में भी इसमें प्रयास किया गया है कि जो पेवर ब्लॉक्स की समस्या थी, लाइट्स की समस्या थी, CCTV की समस्या थी, उनका निराकरण हो चुका है। हर एक फैमिली की बकायदा डिटेल्स नोट किए गए हैं, सबका आपराधिक रिकॉर्ड चेक करा रहे हैं। आज शाम को 6:30 बजे वहाँ शांति समिति की बैठक भी ऑर्गेनाइज की है, इसमें दोनों पक्षों को बोला गया है कि वो सम्मिलित हों और इसका क्या निराकरण कर सकते हैं वो निराकरण करें। तो उसी मिश्रा जी के पास हम आए थे, हमने ज्ञापन दिया था कि परसों जो हमारे यहाँ पर कॉलोनी के अंदर जो हुआ, जिसमें कुछ लोगों ने घर पलायन करना और कुछ इस तरीके का यूज किया था, तो उसकी जानकारी पूरे फैमिली को नहीं थी। तो हमें जो इस तरीके का काम हुआ, इसके लिए थोड़ा सा दुख भी प्रकट हुआ कि हमारी कॉलोनी में अगर इस तरीके के काम हो रहे हैं तो जिन लोगों ने शिकायतें की हैं, सारे कैमरे और CCTV सब अधिकार उनके हाथ में है, और ये 10 परिवारों की वजह से जो पूरी कॉलोनी जो बदनाम हुई है, इसका थोड़ा हमें वो लगा। तो पलायन वाला जो मीटर था वो क्या? हाँ, पलायन हमें नहीं लगता, हम लोग भी 6 या 7 साल से रह रहे हैं, करीब 200 परिवार, हम लोगों को कभी ना ऐसी छेड़खानी जैसा कुछ लगा है, ना कुछ पलायन जैसी स्थिति बनी है। तो आपके वहीं पोस्टर तो आपके वहीं लगे हैं, आपकी पास? हाँ, तो वो कुछ 5 या 10 परिवारों ने लगाए हैं जिसका हमें खेद है। कौन लोग हैं जिनने पोस्टर लगाए हैं? आपसे परिचित हैं या समिति के? नहीं, वही, हाँ वही समिति के लोग हैं, लेकिन वो इसका इतना बड़ा कदम उठाने का क्या रीजन है? उन्होंने ना सोसाइटी में चर्चा की ना कुछ की, और हमें ऐसा नहीं लगा कि कुछ इस तरीके की बात है। यानी आपके क्षेत्र में आप लोग सुरक्षित हो? ऐसा नहीं, बिल्कुल हम लोग सुरक्षित हैं और काफी समय से परिवार के साथ रह रहे हैं। इसकी जाँच हो, अगर इसमें आरोप लगाने वाले लोगों में अगर गलती पाई जाए तो उनके खिलाफ कुछ एक्शन होना चाहिए। तो मतलब कॉलोनी को बदनाम करने वाली जो बात है उसको लेकर क्षेत्रीय विधायक से आपने इस संबंध में चर्चा की? हाँ हाँ, क्षेत्रीय विधायक को भी हमने इस विषय में ज्ञापन दिया है कि सर इसकी उचित जांच हो, ताकि क्षेत्र का जो नाम बदनाम हो रहा है वो नहीं हो।